मम्मी को हमने बुलाया, मम्मी ऊपर आई है, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कौन सा साड़ी लें। क्रियांश जो है यहाँ पर आया हुआ है और खूब उधम मचा रहा है, सभी दादी लोग मिल करके जो है इसका देख रही है लीला। क्रियांश को तो तैयार भी कर दिया गया है, बस बारी है हमारी तैयार होने की, और मम्मी सबका भी बस पूजा पाठ सब बस अब खत्म ही है। तो थोड़ी देर में ही हम लोग निकलने वाले हैं। क्रियांश को मालूम चल गया है सभी लोग जाने वाले हैं, सभी लोग तैयार हो रहे हैं और इंतजार कर रहा है बाहर निकलने का, बाहर बार गेट की तरफ जा रहा है ये। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। यहाँ पे हमारी मम्मी आ चुकी है, मम्मी को हमने बुलाया, मम्मी ऊपर आई है, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कौन सा साड़ी लें कौन सा नहीं। आप सोचते हैं जो बहू है तो ऐसी साड़ी पहने जो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी लगे, नहीं तो मैं वहाँ अच्छी लगूंगी तो मुझे खराब वाले। मम्मी का साड़ी जितना भी साड़ी ली है सब हैवी हैवी है, मम्मी को लग रहा है कहीं हमसे जो है कम हल्का वाला ना ले, सब सोचेगा बहू हल्का पहनी है साड़ी पहनी। फिर हम कमेंट पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इसलिए आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। मेरी बहू जो भी पहनेगी वो बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगेगी, ठीक है, साथ में मैं भी अच्छी लगूंगी। इसलिए मम्मी हमको कह रही है सब भारी भारी साड़ी ले ना, हल्का मत ले। वो तो नहीं लगते खराब था, भारी भारी साड़ी है कि नहीं, तो कुछ कुछ छाट के रखे हैं, ऐसे तो बहुत सारी है लेकिन हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम ये क्रिया उसके डर से लेना नहीं चाहती है। हाँ, हमको हाँ, अच्छा ही थोड़ा हल्का साड़ी लें। हाँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए बारात जाने से साड़ी भारी थोड़ा होना ही चाहिए, तो ले लो एक जैसे है तिलक चढ़ने के समय में होना चाहिए। हाँ, बाकी तुम पतले पतले पहन लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, दिखाते हैं आपको तिलक वाला। तो एक ये साड़ी है जो कि बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा। आप लोग पहले कमेंट करके बता दीजिएगा कि बारात के समय में पहनेगी, अभी दुल्हन की तरह दिखना है, दुल्हन की तरह देखना चाहिए। हाँ, वहाँ दुल्हन की तरह, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं। हाँ। ये सोच लीजिए वो भी वहाँ जा रही है, हमारी दादी के मायके है, आप सोच सकते हैं कितना खुश ये होगी या कितना खुश मैं हूँ। हाँ, और एक दूसरी साड़ी ये है जो ये बहुत अच्छा लगता है हमको साड़ी, क्योंकि ये बहुत हल्का है और इसके अंदर वर्क भी किया हुआ है, और इसका ये ब्लाउज जो कि अभी तक हम पहने नहीं, ये भी सही है। तिलक के टाइम पे पहन रही है। हाँ, ये भी सही है ना। एक चीज बताओ, तिलक के टाइम में हम इस कलर के पहने साड़ी, तुम इस कलर के ब्लाउज, सही रहेगा, मैच कलर सेम है। हाँ, अच्छा है ना, ये भी ठीक है, लेकिन ये सास के लिए साड़ी है। और मम्मी के लिए भी पहनने के लिए। और साड़ी दिखाओ तब तक, चलो एक ये हो गया अभी, ओके। हाँ, हाँ, अच्छा लगता हमको। हाँ, नहीं है बहुत, ये है सुंदर, सोबर कलर है, लेकिन अब हम उस कलर के पहनने इसलिए थोड़ा सा। हाँ, साड़ी है ये सोबर कलर। हाँ, वो साड़ी सोबर कलर मतलब हम पहन सकते हैं। हाँ, और एक ये एक है सिल्क का, ये है ना, परछन गरी, परछन गरी पहनने, परछन के लिए ठीक है। ये है, और दूसरा दिखाओ, दिखाते ये कल का साड़ी हुआ। हाँ। ये कल का ही दोनों साड़ी। मम्मी को ये साड़ी इतना पसंद है, आप में से कुछ लोग कमेंट करिएगा कि ये साड़ी आप बहुत पहनते हैं, लेकिन हम इस साड़ी को छुपा के रखे थे, लेकिन फिर भी मम्मी बोली मोनू के तिलक में जो पहनी थी वो साड़ी निकाल के रहा। ये मोंटी का भी तिलक में पहन, ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है, और जी आप बहुत अच्छी भी लगती है इसमें, वो आप लोग देखते ही है। तो ये दोनों साड़ी हो गया, कल का तिलक का, ये जो जाएगी दुल्हन, जब आएगी दुल्हन आएगी उस टाइम की ये साड़ी है। अच्छा। दो को चेंज करना है। ये, दो बार चेंज करना, एक पहन के रहेगी, एक दुल्हन आएगी तब हो जाएगा। शादी की साड़ी जो है, शादी का ये रेड, ये हो गया, और दिन में जो पहनेगी जिया, जैसे ये हो गया। अच्छा, ये दिन का साड़ी हो गया 19 तारीख को, ठीक है। एक साड़ी हमारी जिया, वो जो लावा भुजाई होगा उसके लिए चाहिए। अच्छा, अब इसी में से ये अपना मैनेज करके पहन लेगी, उस पे इस पे जो भी हो, हम ये पसंद कर दिए, ये अपने हिसाब से भी पहन लेगी, जैसा पहन लेगी, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया हर रीति रिवाज के लिए, हर फंक्शन के लिए, हर मौके के लिए। कि हमको अभी तक लग रहा था मेरे पास कपड़े नहीं है, दो सूट हम कह दिए हैं छुपा के लेना। अच्छा, क्योंकि अगर देखेंगे वहाँ पे नई नवेली दुल्हन पहन रही है कि आजकल सब पहनती है, तो वहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से हमारी बहू पहन लेगी, किसी से कम क्यों रहेगी। ये हमारी सोच है, बहुत बढ़िया। अगर वहाँ नहीं पहनेगी तो नहीं पहनेगी, तब नहीं पहनेगी, लेके जा रही है बैकअप अपना। हाँ, बस बैकअप लेके जा रहा है। तो यहाँ पे पतिदेव को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ट्रॉली उतारा जा रहा है, मेरी तो आ जाएगी एक में, उतनी बड़ी मत लीजिए, ले लीजिए छोटी, इसी में सबका आ जाएगा। हाँ, एक ही ले लो, एक ही में सबका आ जाएगा। 10 साड़ी मेरा मम्मी चूज की है, एक साइड आ जाएगा, चलो कोई नहीं, और एक साइड मेरा दो सूट भी होगा। एक छोटा सा ट्रॉली ले लीजिए, ग्रीन ब्लू वाला ले लीजिए। चलो
आप लोग जो ये देख रहे हैं इतना बड़ा सा मेरा वो ऊपर वाला रैक, सिर्फ ट्रॉली ही ट्रॉली, वो भी खाली ट्रॉली कुछ कुछ में सामान होगा ना, देखो मेरी साड़ी पे चले हो, खचर के खड़े हुआ फिलहाल क्रियांश जो है यहाँ पर आया हुआ है और खूब उधम मचा रहा है, सभी दादी लोग मिल करके जो है इसका देख रही है लीला। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 11:15 और कुछ देर में जो हम लोग नहा करके तैयार हो करके हम लोग निकलेंगे जी। कहाँ निकलेंगे? महेश खोट के साइड। हट जा क्रियांश, ये देखिए रिंग लाइट को गिराने के चक्कर में आई है। मेरा भाई वहाँ से फोन कर रहा है। अच्छा फोन कर रहा है भाई। फोन कर रहा है कि आप लोग का दोपहर का खाना वही बनेगा। अच्छा कि बेटी सिर्फ खाने आती है, हमने बेटी खाने ने लेने दोनों आती है। अच्छा ठीक है जी, तो जल्दी से जो है तैयार होते हैं हम लोग। 20 minutes later हम लोगों का जी नहाना हो गया और क्रियांश को तो तैयार भी कर दिया गया है, बस बारी है हमारी तैयार होने की और मम्मी सबका भी बस पूजा पाठ सब बस अब खत्म ही है। काजल लगा लगेगा आराम से, नहीं देगा लगाने पकड़ना पड़ेगा इसको, नहीं देगा फैल जाएगा हम पकड़ लेते हैं। तो हमारी तो तैयारी हो गई जी, तो देखते हैं मौसी सब तैयार हुई है कि नहीं। और क्रियांश क्या कर रहा है? क्रियांश ये देखिए, क्रियांश बस यही इसका जगह है। मिल गया तुमको ये रेड? ये सब छिपा के रखते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढी लेता है ये। सब रेडी है? तुम लोग रेडी है? खेतों में कहीं हैं? खेल के जी आ, खाना पता नहीं खाइए कि नहीं। खाना खा लिए? हाँ बड़ी बड़ी। हाँ अच्छा हम लोग खा लिए, तैयारी तो देखो आप लोग का खाना बना के रखे, खाना खा के चलेंगे। वर्षा बोली तुम लोग मैके जा रही हो तो यहाँ से खा के क्यों जाएंगे? अच्छा हमारा इतना बड़ी और कढ़ी बनाई है, माँ बनाती थी तब खाए थे, दीदी बनाई थी हम खाए थे, फिर दोबारा बनाई। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा हम तो भूल गए, आता भी था भूल गए, या हो सकता है सब कहते बनाने के चक्कर में करते, लेकिन सही भूल गए। अच्छा भूली नहीं है, बोलती है क्या हमसे अच्छा नहीं होता है ताकि बनाना ना पड़े। आप बिल्कुल देखिएगा हमारा बड़ी करी नहीं अच्छा होता है, वो भी हमारा भाई है, यहाँ जा रहे हैं मनोज बाकी, यहाँ वही नजर लगाया था। नहीं कैसी तुम बने, वो हमें कहता था दादी को कुछ होता है ना तो बड़ी करी बना लेती है। हम तो ऐसे बोलते नहीं है, आज मजाक में बोल रहे हैं कि हम तो 60 वर्ष हो गया, रिटायर हो गए तो सब लोग जान गए कि हम बूढ़े हो गए, इसलिए हम स्वेटर सब पहनते हैं। हम स्वेटर में लिए हैं, पहनेंगे अगर ठंडा लगेगा तो मनोज भाई वहाँ है अपना देगा। वाह बहुत बढ़िया, तो अच्छा है जी। तो यहाँ पर सभी लोग लालची भंग तो नहीं बुलाएगा, हम कुछ नहीं मानते, लास्ट जगह है, क्यों बुलाएगा बेचारा। सही बात है ना, उसके बाद होगा ना, हो सकता है बेटा बुलाए, चले जाएंगे तो क्या करेगा वो, वहाँ से भागा। देखो मनोज मेरा भाई है और उसका बेटा तुम्हारा भाई है, तो कैसा होगा तो तुम लोग जाने। बिल्कुल नहीं आगे होगा, जनाव मुंडन बहुत अच्छा है, हो सकता है अगले सर्दी हम ऐसे ही खरीद के नहीं, हमको खरीद के दी थी 3 साल पहले ना, दी थी लखनऊ में, इस बार दी थी तुम थोड़ा ऊपर को बात हूँ, कश्मीरी साल के आज तक ने ओढ़ी से नहीं ना। और तुम्हारे पोता को कहाँ से मिल गया रड? वो बार बार छिपा के रखते, उसको मिल ही जाता है। अरे वो रड जो थे कपड़ा टांगने वाला जिसमें लगा हुआ था, छत पर पतन केना लेते आ जानते हो, हमारी एक तो पोती है छोटी, बोलती है क्या आज मेरा क्रियांश, जब क्रियांश को देखेगी तो समझेगी कि क्रियांश उसका कितना ऊपर है। बिल्कुल एक बार आकर के देखिए। हाँ छोटी को बोले हैं एक बार उसको लाएंगे तुम्हारे यहाँ छोड़ के चले जाए, बेटा पता चलेगा तुम्हारा सामान कहाँ कहाँ रहा है। A few moments later तो थोड़ी देर में ही हम लोग निकलने वाले है और मैं अभी तक तैयार ही नहीं हूँ, कुछ हो गया बस, बाल में थोड़ा सा कंघी करना है, बाल अभी मेरा पूरा गीला है, बस वही ठो बचा है,
तो अभी क्रियांश गया नीचे, क्रियांश को मैंने रेडी कर दिया, खाना पीना खिला के, नहा के, कपड़ा पहना दिया। सबसे टफ काम जो होता है ना एक माँ के लिए बच्चा को रेडी करना, वो अकेले मेरे से होता ही नहीं है, वो इतना छटपट इधर इधर उधर करता है, इस वजह से हो ही नहीं पाता मेरे से। तो उसको तैयार मैंने कर दिया सबसे पहले, और पतिदेव का भी कपड़ा पूरा निकाल के रख दी थी, वो भी नहा लिए हैं, और फिर उसके बाद मैं सबसे लास्ट में रेडी होती हूँ। और जब लास्ट में मैं रेडी हूँ तो सबसे लेट मैं ही हो जाती हूँ, फिर घर में सुनने को मिलता है सबसे लेट जिया रेडी होती है। लेकिन ये है ना कि क्रियांश है सारा, उसका एक एक चीज़ संभाल के रखना, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना तो उसका एक भी सामान जो ज़रूरत का है वो छूटना नहीं चाहिए। तो वो लास्ट मोमेंट तक कितना भी रख लो आप, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो ऐसा हमारे साथ होता है, आपके साथ ऐसा होता है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से मैं अपना बाल सुखा लेती हूँ, ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ मैं, कभी कदार यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है और हेयर फॉल भी होता है, लेकिन अभी लगता है मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं जल्दी से बाल बनाते हैं और उसके बाद नीचे उतरते हैं। बस तो क्रियांश को मालूम चल गया है, सभी लोग जाने वाले हैं, सभी लोग तैयार हो रहे हैं और इंतजार कर रहा है बाहर निकलने का, बार बार गेट की तरफ जा रहा है ये।